प्रदेश के एकमात्र राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी जोगिंदर नगर में अब कफ सिरप और लिवर टॉनिक का भी निर्माण होगा। इसके लिए गाजियाबाद और अहमदाबाद से 61 लाख की हाईटेक मशीनरी स्थापित की गई है। आयुर्वेदिक फार्मेसी जोगिंदरनगर के प्रभारी डॉक्टर नीलम कुमार ने बताया कि प्रदेश की एकमात्र जोगिंदरनगर राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी में अब लिक्विड अनुभाग शुरू कर सिरप के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जहां अनुमानित 2 करोड़ खर्च कर केंद्र और प्रदेश आयुष विभाग के सहयोग से फार्मेसी के आधारभूत ढांचे को नया स्वरूप मिला है और इससे औषधि के निर्माण में पूरी हाइजीन व्यवस्था बढ़ रही है। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के सौजन्य से 2.25 करोड़ के लगभग हमें नेशनल आयुष मिशन के अंडर ग्रांट मिली थी। उसके अंतर्गत हमने रेनोवेशन का काम, पार्टीशन जो है वो करा, रेनोवेशन की गई। इसके अतिरिक्त हमने उसमें एक नया जो सिरप सेक्शन है, हमने उसको शुरू किया है। और सिरप सेक्शन के लिए जैसे इजेक्टेड वेसल है, बॉयलर है, कंप्रेसर मशीन्स हैं, तो इसके लिए हमने उनका शुरू करा है लिक्विड सेक्शन। लिक्विड सेक्शन के अंतर्गत हम डिफरेंट टाइप के सिरप, जैसे कि कफ सिरप, लीवर टॉनिक या कोई इम्यूनो मॉड्यूलेटर, किसी प्रकार का जो ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी के से अप्रूव होके आएंगे, उसके बाद हम इसका जो है निर्माण यहाँ पर शुरू हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जो है हम इसमें नए सिरप्स का निर्माण शुरू कर देंगे। उनके थ्रू 115 लाख रुपये जो है हमने उनको दे दिया है, उसका बहुत जल्दी जो है यूसी हम प्रोड्यूस करेंगे। और जो मशीनरी प्रोक्योरमेंट है वो हमने अहमदाबाद से करी, जेम के थ्रू अहमदाबाद से और गाजियाबाद से जो है वो हाईटेक मशीनरी जो है वो हमने ली है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 1206 के लगभग हमारे जो आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर्स हैं, और इसके अतिरिक्त जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें हमें जो भी हमारे यहाँ से सिरप बनेंगे उनकी सप्लाई जो है अकॉर्डिंगली दी जाएगी। सिरप की कैपेसिटी जो है लगभग 2400 लीटर पर डे के हिसाब से है जो करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आने वाले टाइम में हमें और भी ग्रांट मिलती है तो हम इसके अच्छे से जो ऑटोमेटिक लेबलिंग मशीन, ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन का जो भी है क्रय किया जाएगा। उसके लिए भी जो प्रपोजल है भारत सरकार को, हिमाचल प्रदेश सरकार के सौजन्य से जो है हमने प्रपोजल भेजे हैं।